मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। साहित्यकार सहयोग संगठन कानपुर के द्वारा आयोजित रागात्मक चेतना के शलाका पुरुष गीत ऋषि कन्हैया लाल वाजपेयी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा दिनांक 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अनुपम धाम गेस्ट हाउस साकेत नगर कानपुर में संपन्न हुई। उनकी पत्नी रमा वाजपेयी जी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सुषमा सिंह सेंगर ने उनकी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए कहा कि केवल कानपुर ने ही नहीं वरन पूरे देश ने एक महान गीतकार होम्योपैथ और ज्योतिष मर्मज्ञ को खोया है। वो केवल एक अच्छे गीतकार ही नहीं थे, हमारे पिता समान थे। साहित्य और समाज में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर गायत्री सिंह ने कहा कि साहित्यकारों की सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके मार्गदर्शन में जिस संगठन का गठन हुआ था वो निरंतर साहित्यकारों के मानवीय हितों के लिए काम करता रहेगा। हास्य कवि श्रवण शुक्ल जी ने उनके साथ अपनी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। जयराम सिंह गौर जी ने कहा कि उनके कालजयी गीतों को बहुत लोगों गाया और अपनी रचनाओं में शामिल किया, पर उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित, सतीश गुप्त, सुरेश राजहंस, आदित्य कटियार, जया राजपूत, मनीष रंजन सरल, शुभम तिवारी, वंश गोपाल मिश्र, विद्याशंकर अवस्थी, नरेंद्र शंकर शुक्ला, मोहनलाल गुप्ता, डॉक्टर अनिल कटियार, अशोक वाजपेयी, वीना उदय, सुनील वाजपेयी, हरिनारायण दीक्षित नजर कानपुरी, क्वीना साहिबा, डॉक्टर राधा शाक्य, सुरेश साहनी, प्रदीप अवस्थी, कमलेश शुक्ला, अजीत राठौर, राजीव मिश्रा, शोभना कश्यप, मधु श्रीवास्तव, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, अक्षत व्योम, यश अरोरा, सुनीता तिवारी, मनीष चतदल, नूपुर राही आदि ने पुष्पार्चना की। सुषमा सिंह ने वाजपेयी जी का गीत तुम्हारा मिलना क्या और गीता चौहान जी का भेजा हुआ मेरे प्यारे कन्नू भैया पढ़ा। अंत में सभी ने उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें आदरांजलि समर्पित किया। गीत ऋषि कन्हैया लाल वाजपेयी जी की स्मृति में हम ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं साहित्यकार सहयोग संगठन की तरफ से, जिसमें कानपुर के अधिकांश साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं। सोने के हिरण नहीं होते, ये उनका जो प्रसिद्ध गीत और रचना थी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी और बड़े बड़े रचनाकारों ने इन पंक्तियों को लिया, अपनी रचनाओं में इसको शामिल किया। और भी ऐसी रचनाएं थी जो पूरे समाज के लिए पथ प्रदर्शन का काम करती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं, हम सब उनके शिष्य जैसे लोग और कवि, न जाने कितने कवियों को उन्होंने बनाया, उनको बताया, उनको सजाया, तो हम सब उनको याद कर रहे हैं और ये मानते हैं कि हमें ऐसे साहित्यकारों को याद करते रहना चाहिए जिससे कानपुर साहित्य में बना रही।